नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक नहीं बल्कि दो बड़ी खबर देने वाला हूँ। भारत यूक्रेन से हो सकता है गुस्सा और भारत के सबसे बड़े मिशन को लेकर आज मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं दो टॉपिक पे लेके बात होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अगर पहली खबर की बात करें, क्या भारत यूक्रेन से गुस्सा हो सकता है, इसका कारण ये है कि देखिए दोस्तों, यूक्रेन ने बहुत ही बड़ी गलती कर डाली है और ये गलती यूक्रेन को भुगतनी पड़ सकती है। अब यहाँ पे गलती क्या की है, देखिए दोस्तों, यूक्रेन ने भारत सहित 5 देशों में जो यूक्रेन के राजदूत थे उनको वापस बुला लिया है। यानी कि दोस्तों, क्या यूक्रेन भारत से अच्छे संबंध बना के नहीं रखना चाहता है, या फिर जिन 4 देशों से और राजदूतों को बुलाया गया है उनसे अच्छे संबंध यूक्रेन बना के नहीं रखना चाहता है। कि एक देश से अगर दूत को बुला लिया जाएगा तो उनका आपसी कनेक्शन बिल्कुल टूट जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच बहुत ही ज्यादा मनमुटाव भी हो सकता है। तो इस पर भारत क्या एक्शन लेने वाला है, क्या भारत भी यूक्रेन से अपने राजदूत को वापस बुलाएगा या फिर नहीं, इस चीज को लेकर अभी कोई खबर निकल के नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट को ये बात ज्यादा गंभीर लगी और वाकई में अगर कदम उठाने वाला काम हुआ है तो भारत भी कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाएगा। अब दूसरी बड़ी खबर के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आज मैं बात करने वाला हूं भारत के सबसे बड़े मिशन के बारे में। यह दोस्तों भारत का बड़ा मिशन जिस पर भारतीय साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत के गगनयान मिशन के बारे में। देखिए दोस्तों, गगनयान मिशन को लेकर बहुत ही बड़ी जानकारी निकल के आई है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसके बारे में जानकारी दी है कि जो गगनयान मिशन होगा वो ट्रायल में होने वाला है। इसका जो पहला ट्रायल होगा उसमें कोई भी यात्री नहीं भेजा जाएगा, सिर्फ अंतरिक्ष में यान को ही भेजा जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो इसका दूसरा ट्रायल होगा उसमें एक महिला रोबोट को भेजा जाएगा और हमारे इसरो के साइंटिस्टों ने उस महिला रोबोट को भी बना लिया है। दूसरे ट्रायल में 2 मानव को भेजा जाएगा और इसका पहला और दूसरा ट्रायल 2022 के लास्ट तक हर हाल में कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, गगनयान मिशन भी भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में आज आप लोगों को बताना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपनी राय भी कुछ ना कुछ दीजिए दोनों बड़ी खबरों को लेके। और दोस्तों चलते चलते बस आप लोगों से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।